दोस्तों मुझे घूमने फिरने का बड़ा शौक है और मुझे जब भी मौका मिलता है कहीं बाहर जाता हूँ काम के सिलसिले में तो थोड़ा घूम फिर जरूर लेता हूँ। चलो घुमाते हैं आपको भी। गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सोमनाथ मिश्रा और मेरे साथ आप लोगों को ये चार्ली चैपलिन दिख रहे हैं, बिल्कुल ओरिजिनल। लेकिन आपको जानते हुए आश्चर्य होगा कि ये मोम के बने हुए हैं, यानी कि ये वैक्स म्यूजियम है और साथ में जो है ये शीश महल, और ये बहुत दूर नहीं, ये हमारे करीब है। और कई बार क्या होता है ना कि हमारे सामने ऐसे बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो होने के बावजूद भी हम उसको खुद जो है घूम नहीं पाते हैं, ढूंढ नहीं पाते हैं, और कई बार जो है बाहर तलाश करते हैं कहाँ मिलेंगी खुशियाँ, कहाँ मिलेंगी, कहाँ घूमने जाएं, बड़ी बड़ी प्लान करते हैं। तो दोस्त ये है आसानसोल शहर, और ये आसानसोल में ही जो है एक वैक्स म्यूजियम है, और ये वैक्स म्यूजियम में ये सारे मोम के बने हुए पुतले हैं, एकदम ओरिजिनल लग रहा है। देखिए सारे कैरेक्टर, ये बंकिम चंद्र जी है जिन्होंने लिखा है हमारा वंदे मातरम का गीत, ये सारे जो है बच्चों के खिलौने के लिए सारे मोम के बने हुए, ये पूरे पुतले हैं, है ना, मोटा छोटा बड़ा, और हम आप जैसे हमारे आकार के अनुसार देख रहे हैं। इन सारे चीज़ों को जो है एक इंसान ने बनाया है। ये देखिए जो है हमारा सुशांत सिंह जी, इसका भी जो है मोम का बना हुआ पुतला यहाँ रखा हुआ है। और कई बार हम लोग जो है इन्हीं चीज़ों को जो है कहीं ना कहीं अनदेखा कर जाते हैं। अमिताभ बच्चन का आप जब सामने खड़े होकर देखेंगे तो आपको लगेगा एकदम ओरिजिनल बना हुआ है। तो ये सारे जो ये चार्ली चैपलिन माय फेवरेट है ना, हम कई बार जो है बचपन से शो देख रहे हैं और हो सकता है कि आपने भी देखे होंगे, लेकिन जब इनको देखा तो मैं खुद चौंक गया था। ये देखिए पूरे शीशे के टुकड़े से बनाया गया है, और कहते हैं कि इसको बनाने में उन्होंने 2-2.5 साल लगाए। ये शीश महल है, और इस शीश महल के जो है जहाँ पर भी आप खड़े हो जाते हैं हर शीशा में जो है आपका चेहरा नज़र आता है। ये पूरा एक जो है हॉल बना हुआ है, पूरा बड़ा रूम, और आप कहीं पे भी खड़े होकर जो है इसका फोटो ले सकते हो, नज़ारा ही कुछ अलग है। और इसका कार्य इतना सुंदर, मतलब कार्यकलाप है कि देखते बनता है, हम वाकई जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है गुम हो गए, मशगूल हो गए। हमको हम आपको यही कहेंगे कि यदि आपके पास मौका है दोस्त, अगर आपको एड्रेस पता नहीं तो हम बता देंगे, नीचे लिंक दे देंगे, और अगर आपके करीब है तो आप जो है पक्का देखिए, क्योंकि मैं जब देखा ना तो वाकई जो है ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें जो है इतनी आसानी से देखने को लोगों को नसीब नहीं होता। इतना सुंदर मतलब बना हुआ, ये देखिए जो है हमारे पास जो है विवेकानंद जी का मूर्त, और इसको कहीं ना कहीं बिल्कुल गोल्डन कलर में बनाया हुआ है। एक आदमी इस तरह इतना खूबसूरत प्रतिमा किस तरीके से बना सकते हैं। हम लोग ने जो है कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को किताबों में पढ़े हैं और फोन वगैरह में देखते हैं, बड़ी बड़ी म्यूजियम में इस तरीके के चीज़ें रखे रहते हैं, और जब मैं अंदर घुसा तो ये बहुत बड़ा मतलब कोई म्यूजियम नहीं है, ये छोटा सा ही है, क्योंकि इन्होंने कुछ गिने चुने जो है मूर्तियाँ अभी तक बनाए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जो हमारा कलाकार है, जिस कलाकार ने इन तमाम चीज़ों को बनाया है, वो आसनसोल के जो है एक बंगाली इंसान है, और वो जो है कहीं ना कहीं बाहर तक जो है जाते हैं ऐसे ऐसे मूर्त बनाने के लिए। ये देखिए ममता बनर्जी जी का जो है टेबल जैसा सजा हुआ है, और आपको ऐसा लगेगा जैसे बिल्कुल अपने ऑफिस में बैठे हैं। ये उन्हीं के सामने जो है वेस्ट बंगाल का ज्योति बसु, ये सारे जो है प्लेयर्स, तो कहने का मतलब इतनी तमाम इतनी सुंदर मतलब नक्काशी है, इतनी सुंदर तरीके से जो है इन चीज़ों को बनाया हुआ है कि जो है आपको लगेगा कि एकदम जो है करीब से ओरिजिनल चीज़ें देख रहा हूँ। ये देखिए केबीसी का जो है ग्राउंड बनाया गया है, वैसे ही जो है धुन यहाँ बजता रहता है पीछे कि कौन बनेगा करोड़पति का जैसे गेम चल रहा हो। ये मिस्टर बिपिन रावत जी, और बिल्कुल जो है ओरिजिनल लगता है, ये है इनके कलाकार। ये थे सुशांत राय जी, और ये सुशांत राय वैक्स म्यूजियम एंड शीश महल, ये जो है आसनसोल में बना हुआ है। आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं गूगल में, और गूगल में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और मेरे साथ जो है खड़े हैं मिस्टर शिवम, जो ये भी जो है कहीं ना कहीं दिल्ली से आए थे, और मैंने बोला चलो एक शानदार चीज़ घुमाता हूँ, तो वाकई देख के जो है दंग रह गए कि यार इतना सुंदर। ये जो शीश महल है ना, मैं आपको इसकी खूबियाँ बताऊँ, इसकी हर रूम की कलर अलग अलग है, कहीं पे ब्लू को जो है प्राधान्यता दिया गया है, कहीं येलो को, कहीं ग्रीन को,
कहीं ऑरेंज कलर को, कहीं येलो को, तो मतलब मस्त। तो आइए आप भी जो एक बार घूम के जाइए, और जाते जाते आपसे रिक्वेस्ट ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम साथ रहेंगे तो मस्त रहेंगे।